दोस्तों अगर आप बीकेएल राहुल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सनद्राबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2023 का 10वां मुकाबला शानदार तरीके से समाप्त हुआ। दोस्तों इस बार एक और हार का सामना करना पड़ा सनद्राबाद की टीम को। लखनऊ ने यह मुकाबला 5 विकेटों से जीता, क्योंकि इस मुकाबले में जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी सनद्राबाद की टीम, इनकी शुरुआत से ही बल्लेबाजी कमजोर नजर आई। इनके कप्तान मार्कम भी 0 रन पर आउट हुए। राहुल त्रिपाठी जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, केएल राहुल से बड़ी गलती हो सकती थी, जिसके लिए उन्हें 2 साल का बैन और 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता था। दोस्तों दरअसल जब सनद्राबाद की टीम बल्लेबाजी करने उतरी थी, राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी कर रहे थे, वैसे वक्त पर स्पिनर गेंदबाजों की कमान थमाई केएल राहुल ने कृणाल पांड्या को। अब जैसे स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे, मैच धीमा होता जा रहा था और सभी लोग पवेलियन में से देख रहे थे कि मैच इतना स्लो क्यों चल रहा है, क्योंकि बीसीसीआई का रूल है अगर मैच स्लो चलता है, वक्त पर खत्म नहीं होता है, तो कप्तान को जुर्माना देना होता है। और केएल राहुल ये जुर्माने से बचने के लिए तेज गेंदबाजी करा रहे थे अपने गेंदबाजों से, इस जुर्माने से बचने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ इस बार आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें।